नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रामेन टेक बैंकिंग YouTube चैनल में। जैसे कि दोस्तों आपको पता है, मैं अपने इस YouTube चैनल में लगातार आपके लिए बैंकिंग अपडेट, CSP अपडेट, टिप्स एंड ट्रिक, अदर हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन लेके आता रहता हूँ। दोस्तों आज हम बात करने वाले अपने मॉर्फो डिवाइस के ऊपर। जैसा कि आप सभी जानते हो, हमारे CSP पोर्टल पर ज़्यादातर सभी के पास मॉर्फो डिवाइस हैं और वो यूज कर रहे हैं, और इसी को लेके काफ़ी सारा अपडेट बहुत दिनों से चल रहा है कि काफ़ी सारी वीडियो बनी हुई है इसके ऊपर कि मॉर्फो डिवाइस अब बंद होने वाली है, किस तरीके से काम होगा और मॉर्फो डिवाइस कौन सी बंद होगी और कौन सी मॉर्फो डिवाइस चालू रहेगी, वो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हो, इस तरीके से अब फाइनली SBI ने भी अपने एक शर्कल जारी कर दिया गया है, जिसमें साफ साफ दिया हुआ है कि जो है 1 जुलाई से, जी हाँ मैं बता दूँ, 1 जुलाई से मॉर्फो डिवाइस, जो L0 डिवाइस अभी आप जो यूज कर रहे हो, वो कार्य करना बंद कर देगी हमारे CSP पोर्टल पे। आप अगर APS ट्रांसफर करोगे तो L0 पे APS ट्रांजेक्शन नहीं होगा, तो ऐसे में आपको अब जल्द से जल्द L1 डिवाइस को ख़रीद के रख लेना है। लेकिन अभी आप यूज ना करें, जब L0 डिवाइस काम करना बंद कर दे उसके बाद ही उसका यूज करें, लेकिन उससे पहले उसे अपडेट करा लें उसको। दूसरी बात यह है कि L0 डिवाइस, बहुत से CSP ये सोच रहे होंगे कि चलो मैं L0 डिवाइस बेच दूंगा उसके बाद L1 डिवाइस मंगा लेता हूँ, तो ये गलती अभी फ़िलहाल ना करें, क्योंकि कुछ अभी अपडेट ऐसा चल रहा है कि जो L1 डिवाइस है वो केवल AEP से काम करेगी और जो L0 डिवाइस है उसे CIFT विड्रॉल होगा, तो ऐसे में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि एक ही पोर्टल पे और दो दो डिवाइस चलाना बहुत मुश्किल होगा। और देखते हैं आगे चल के इसमें भी कुछ सुधार होगा निश्चित रूप से। तो फिलहाल आपको दोनों डिवाइसों को अभी यूज करना है, मतलब कि दोनों डिवाइस अपने पास रखना है, L0 को भी रखना है, उसी से काम करना है, और L1 भी अभी से आप मंगा के रख लेना है। क्यों मंगा के रखना है अभी से, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि काफ़ी सारे CSP हैं और सभी CSPओं के पास मॉर्फो डिवाइस है, और जब ये काम करना बंद कर देगी तो सिंपल सी बात है, एकदम से आपके काम पे इफेक्ट पड़ेगा। तो उससे अभी टाइम है काफ़ी, 1.5-2 महीने हैं अभी, तो उससे पहले आपको ये बंद हो उससे पहले आपको L1 डिवाइस मंगा के रख लेना है। और सिंपल सी बात, अभी आपको सस्ते रेटों पे भी मिल जाएगी, क्योंकि अभी इतना यूज नहीं है L1 डिवाइस का, लोग कम यूज कर रहे हैं, सारा कुछ आपका पता है L0 पे चला रहे हैं। तो अभी आप अगर ऑनलाइन भी सर्च करेंगे और वहाँ से भी मंगाए तो आपको कम प्राइस में मिल जाएगी, और हो सकता है आगे आने वाले समय पर प्राइस भी बढ़ा दिया जाए, क्योंकि जिस तरीके से मांग बढ़ेगी L1 डिवाइस की तो उस पर प्राइस भी बढ़ सकते हैं। तो ऐसे में इस वीडियो बनाने का मकसद यही था कि जिन CSPओं को, तो सभी CSPओं को लेना ही पड़ेगा जो मॉर्फो डिवाइस यूज कर रहे हैं, तो वो अभी से L1 डिवाइस खरीद के रख लें, जब उसकी ज़रूरत हो तो आप निश्चित रूप से सुचारू रूप से अपने CSP पे वर्क कर सकें। तो ये की छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, इन्फॉर्मेशन से अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।